नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आम आदमी पार्टी से विधानसभा सांसद संजय सिंह ने किया दादरा नगर हवेली का दौरा। स्वर्गीय सांसद मोहन डेलकर के निवास स्थान पर पहुंचकर वहां पर उन्हें दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। साथ ही राष्ट्रीय मीडिया एवं स्थानीय मीडिया से उन्होंने क्या कहा, सुनिए यह खबर में। डेलकर जी के परिजनों से मुलाकात हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उनके दुखद निधन पर, इस दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर अपनी श्रद्धा सुमन हम लोगों ने अर्पित की, श्रद्धांजलि अर्पित की। ईश्वर से प्रार्थना की कि उनके पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन जो कुछ भी जानकारी मिली वो दिल दहला देने वाली है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 7 बार के चुने हुए लोकसभा सदस्य को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़े, यह हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली घटना है। इतना दुखद हादसा किसी एमपी के साथ आजादी के बाद नहीं हुआ। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर एक गुंडे मानसिकता के एडमिनिस्ट्रेटर को बैठाल देना, उसके द्वारा यहां पर जमकर भ्रष्टाचार करना और पैसे की लूट करके अपनी पार्टी को पहुंचाना, मैं समझता हूं ये खुलेआम तानाशाही है जो यहां के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल के द्वारा की गई। और उस एडमिनिस्ट्रेटर ने इतना प्रताड़ित किया इनको कि उन्हें अपने आत्महत्या के बाद न्याय की उम्मीद भी इस क्षेत्र से नहीं थी। मुंबई में जाके उन्होंने आत्महत्या की कि कम से कम मेरी मृत्यु के कारण की जांच तो निष्पक्ष तरीके से हो सके। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि जहां से वो 7 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, जहां से उनके पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, जहां से उनके परिवार ने हिंदुस्तान में इस क्षेत्र को शामिल कराने के लिए, दादरा नगर हवेली को शामिल कराने के लिए खुद से जाकर अनुरोध किया, उस परिवार को आज न्याय के लिए आत्महत्या करना पड़े और आत्महत्या भी ऐसी जगह पे करना पड़े कि उसे जांच में भी न्याय की उम्मीद ना हो। इससे ज्यादा तानाशाही का कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। मुझे जो जानकारी मिली, इस प्रफुल्ल पटेल के राज में 2 अधिकारी पहले भी आत्महत्या कर चुके हैं, एक जिग्नेश और एक और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे एसएस बोया करके, 2 अधिकारी आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसा तानाशाह आदमी यहां पे बैठा कैसे है? इसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और तुरंत इसको हटाना चाहिए यहां पे। अगर इस क्षेत्र में शांति चाहती है सरकार, अगर इस क्षेत्र में अमन चैन चाहती है सरकार, अगर दादरा नगर हवेली को भ्रष्टाचार से मुक्त चाहती है, तो 1 मिनट के अंदर यहां के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल को हटाया जाना चाहिए और इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि इसने किस तरीके से प्रताड़ित किया मोहन डेलकर जी को उनकी आत्महत्या करनी पड़ी। पार्लियामेंट का सत्र 8 तारीख से शुरू होने वाला है। अभी उनके पुत्र अभिनव जी से बात हुई, सभी सांसदों को उनके द्वारा पत्र लिखा जाएगा ऐसा उन्होंने बताया। और ये एक सांसद के दुखद मृत्यु का मामला है, आत्महत्या का मामला है। पार्लियामेंट 8 तारीख से चल रही है, आम आदमी पार्टी की ओर से पूरी मजबूती से इनकी
आवाज को, इनके परिवार की पीड़ा को मैं पार्लियामेंट के अंदर उठाऊंगा और जो लोग भी इसमें दोषी हैं, जिनके नाम उनके सुइसाइड नोट में हैं, उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अगर ये शख्स यहां पर बैठा रहा प्रफुल्ल पटेल, तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसको तो तुरंत गिरफ्तार करके यहां से हटा के इसको गिरफ्तार करना चाहिए। और इसके इसने जितने भ्रष्टाचार पिछले 4-4.5 साल के अंदर किए हैं, इसकी सारी जांच होनी चाहिए। ऐसा बेईमान आदमी यहां पे बैठा हुआ है, किसी के घर तोड़वा देता है, किसी के स्कूल तोड़वा देता है, किसी के कॉलेज तोड़वा देता है, यहां हिटलर शाही मचा रखा है इसने, तो इसको तो तुरंत अरेस्ट के अलावा, इसको हटाने के अलावा इसकी तुरंत अरेस्ट होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारी पूरी पार्टी, गुजरात इकाई और यहां की इकाई, हम लोग आने वाले दिनों में जरूरत पड़ी तो इसके लिए एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। हमारे साथ गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया जी भी हैं, हमारे महामंत्री मनोज जी भी हैं, और हम सब लोग इस मामले में भाजपा को बेनकाब करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। एक आदमी अगर अपनी लोकप्रियता के कारण निर्दलीय जीत जाए, तो उसके निर्दलीय जीतने का, इंडिपेंडेंट जीतने का इतनी बड़ी सजा आप उसको दोगे? उसको काम ही नहीं करने दोगे? फिर एक चुने हुए व्यक्ति का क्या मतलब है? फिर लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या मतलब है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि, एक सांसद कोई मतलब नहीं रखता, उसके ऊपर एक गैर चुना हुआ व्यक्ति, एक पॉलिटिकल व्यक्ति, एक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसका सबसे ज्यादा महत्व है। तो इस क्षेत्र की जनता का भी अपमान है, और इस क्षेत्र की ही नहीं, हिंदुस्तान की जनता का अपमान है कि जिसने अपने वोट की ताकत से डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति को सांसद बनाया, इंडिपेंडेंट पार्टियों के ऊपर उसको चुना, और उसके बावजूद उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। मैं फिर से एक बार मोहन डेलकर जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और इस लड़ाई में उनके परिवार के साथ अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पूरी पार्टी खड़ी है। के राजनीतिक चर्चा हमारी नहीं हुई है, आज जो भी हमारी बातचीत हुई है इस पूरी दुखद घटना को लेकर हुई है, और अभी फिलहाल एक ही मांग है जो उनके परिवार की मांग है, जो हम सब की मांग है, कि इस व्यक्ति को, एडमिनिस्ट्रेटर को, प्रफुल्ल पटेल को, तानाशाह को, हिटलर को यहां से हटाया जाए और इसको गिरफ्तार किया जाए और इसके भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए। महाराष्ट्र पुलिस इसकी जांच कर रही है, उनकी जांच से परिवार संतुष्ट है और सही दिशा में जांच जा रही है, ऐसा लोगों ने बताया, तो जल्द ही कुछ उसमें सामने आएगा जो कुछ भी हुआ है। और ये जरूर पता चला कि जब से वो सांसद बने थे, इस व्यक्ति ने, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल ने उनका जीना हराम कर दिया था, और पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी के सामने ये बड़े आश्चर्य की बात है कि उनका बयान ये आया कि मैं सुसाइड कर सकता हूं अगर मेरी बात, मेरी फरियाद नहीं सुनी गई। तो अब देश के सर्वोच्च सदन की प्रिविलेज कमेटी, विशेषाधिकार की कमेटी, उस समिति के सामने बयान एक चुने हुए सांसद का कि मैं सुसाइड करने के लिए मजबूर हूं, और उसके बावजूद उसका संज्ञान नहीं लिया गया, और आज ये दुखद दिन उनके परिवार को और इस क्षेत्र के लोगों को देखना पड़ रहा है। तो आज हम सारे लोग दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हैं, इसी के लिए हम लोग आए थे, केजरीवाल जी का संदेशा लेके, अपनी पार्टी का संदेशा लेके। जिस हिसाब से गुजरात में आप बढ़ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में क्या आपके कोई ना कोई नेता वगैरह की या कोई खड़े रहेंगे? देखिए, मैं तो ये केंद्र शासित शब्द से ही मुझे परहेज है। जब हिंदुस्तान 1947 को आजाद हो गया तो केंद्र शासित क्या है? पूरे देश में लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, यहां पे लोक बड़े होते हैं, तंत्र बड़ा नहीं है। तो इसलिए केंद्र शासित शब्द से ही हमें परहेज है। केंद्र शासित कुछ नहीं होना चाहिए, जनता का शासन हर जगह होना चाहिए, और इस क्षेत्र में भी हमारी गतिविधियां आने वाले दिनों में और तेजी के साथ बढ़ेंगी। थैंक यू।